तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खिदमत खल्क के कामों में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी और वही काम करते करते उन्होंने अपनी जान भी दे दी। और जब उनकी जान गई तो उन्होंने जाते हुए भी अपने ऑर्गन्स को गरीबों में और ज़रूरतमंदों को डोनेट कर दिया। तो बिल्कुल हम अब्दुस्सत्तार ईदी के बारे में बात करने लगे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। तो अब्दुस्सत्तार ईदी जो कि ईदी फाउंडेशन के ताहयात सदर थे और उनकी बीवी जिनका नाम बिल्किस ईदी था, बिल्किस ईदी बिल्किस फाउंडेशन की सदर थी। और इन दोनों को 1986 में खिदमत खल्क के कामों की वजह से, इनकी फाउंडेशन की वजह से रैमसन मैग्सेसे का अवार्ड भी दिया गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब्दुस्सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और उनके जो वालिद का कारोबार था वो कपड़े और लेदर से जो है वो रिलेटेड था। तो अब्दुस्सत्तार ईदी जो कि बचपन से ही लीडर थे और अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और उनकी हंसी शरारतों की हमेशा हौसला अफजाई करते थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुस्सत्तार ईदी जो कि एक मतवसत घराने से यानी कि गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, तो जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी वालदा जो है उनको दो पैसे दिया करती थी, जिसमें से एक पैसा वो खुद खर्च किया करते थे और दूसरा पैसा किसी जरूरतमंद को दे दिया करते थे। और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालदा का काम संभाल लिया, जो कि ज़ियाबतीस की शदीद मरीज थी यानी कि शुगर पेशेंट थी। तो अगर हम ईदी फाउंडेशन की हिस्ट्री में जाएँ जो कि अब्दुस्सत्तार ईदी के हाथों से बनी हुई है और आज आप पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में देख सकते हैं ईदी फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। 1947 की पार्टीशन के बाद जब अब्दुस्सत्तार ईदी भारत से पाकिस्तान आए तो यहाँ पे उनके पास जितनी जगह पूंजी थी यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक छोटी सी जगह खरीदी जहाँ पर उन्होंने डिस्पेंसरी खरीदी और डॉक्टर को वहाँ पर बिठाया और उनसे मशवरा करते और तिब्बी चीज़ें उनसे सीखते और अपने दोस्तों की भी जो है इसी तरफ रागिब करते। और उसी डिस्पेंसरी के अंदर जो बेंच होता था उसी के ऊपर अक्सर सो जाया करते थे और यहीं से उनकी तिब्बी अमदाद का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। तो आपको ये भी बताता चलो कि 1951 में जब अब्दुस्सत्तार ईदी भारत से पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके उन्होंने जब अपनी डिस्पेंसरी खोली तो बहुत ज़्यादा उन्होंने तिब्बी अमदाद वहीं पर स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बेंच के ऊपर ही सो जाया करते थे, वो इसी वजह से सो जाया करते थे कि अगर किसी को फौरन मदद की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर अवेलेबल हो सकें। तो 1957 के अंदर जब कराची के अंदर फ्लू की एक बहुत वसी लेवल के ऊपर जो है वो वबा फैल गई और कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, तो उस क्रूशल सिचुएशन के अंदर अब्दुस्सत्तार ईदी और उनकी जो डिस्पेंसरी थी या उनके दोस्त या उनकी जो छोटी सी जो है वो एक टीम हुआ करती थी, उन्होंने पूरे कराची के हर इलाके के अंदर छोटे छोटे खेमे लगा दिए ताकि हर शहरी के पास तिब्बी इमदाद पहुँच सके। तो तिब्बी अमदाद का जो उन्होंने काम था वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर किया। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिन्होंने इनको फंड देना शुरू कर दिए और पूरे पाकिस्तान से इनको फंड मिलना शुरू हो गए और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग खरीद ली कराची के अंदर और वहाँ पर जो है वो नर्सों को ट्रेनिंग भी देने लगे और बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी डिस्पेंसरी कर ली, यानी कि उसका जो एरिया था वो भी वसी कर लिया। तो मज़ीद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वहीं पर जो है वो अब्दुस्सत्तार ईदी ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। तो बस फिर ईदी फाउंडेशन का जो काम है वह फैलता गया और उनकी खिदमात का जो सिलसिला था वो मज़ीद बढ़ता गया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सर्विसेज देना शुरू कर दी, जिसमें अब आज की अगर मैं बात करूं तो 600 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज जो है पूरे पाकिस्तान में अपना जो है वो ड्यूटी कर रहे, यानी कि हर मरीज तक जो पहुँचने का सबसे तेज़ ज़रिया है वो ईदी फाउंडेशन से ही जो है वो प्रोवाइड होता है। तो मज़ीद मैं इनकी बात करूँ तो हर हस्पताल के अंदर जो है वो आपको स्ट्रेचर्स मरीजों के लिए जो चल नहीं सकते एमरजेंसी में जाने के लिए जो है वो स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स भी उन्होंने प्रोवाइड की, जिनकी तादाद बिल्कुल इतनी ज़्यादा है कि हम गिन नहीं सकते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अस्पताल हैं सरकारी वहाँ पर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी खिदमात के अंदर भी कदम रखा, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक बड़ा स्कूल बनवाया जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए था। तो आज के वक्त में ईदी फाउंडेशन जो हर मुसीबत में हर इंसान के लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है, ये बिल्कुल बजा वक्त पर जो है हर इंसान उनसे जो है वो मदद ले सकता है, हर ज़रूरतमंद उनसे मदद ले सकता है। तो ईदी फाउंडेशन ने उसके बाद बहुत वसी पैमाने पर जो है वो लंगर खाने भी बनाए जहाँ पर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। और अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकले तो पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से जो है वो अमेरिका, शाम, ईरान और जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और बहुत ज़्यादा ऐसे मुल्क जहाँ पर उनकी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं। तो बिल्कुल उनकी बीवी ने भी जो है वो बिल्किस ईदी ने भी जो है वो इनके शाना बचाना जो है उनके साथ खड़े होकर इनकी खिदमात में इनकी पूरी पूरी मदद की। तो बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ही खर्च कर दी
और अपने आप को, अपने नफ्स को ख़त्म करके उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। हमें इस तरह के लोग आजकल के दौर में बिल्कुल जो है वो नहीं देखने को मिलते, लेकिन उन्होंने ये काम करके अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में सर्व करके एक मिसाइल कायम कर दी हर उस इंसान के लिए कि जिसके अंदर ये जज्बा पैदा हो सके कि वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर सके। तो इनकी ज़िंदगी से हमें सिर्फ एक चीज़ सीखने को नहीं मिली, इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इतने अच्छे काम किए कि इनको पाकिस्तान और हर मुल्क जिधर जिधर इनकी फाउंडेशंस काम कर रही हैं वहाँ से इन्होंने अपने मुख्तलिफ अवार्ड समेटे। यानी कि इन्होंने 1957 में जब अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की थी तो इनका पहला आजाद 1986 में ही मिल गया था, उसके बाद जब तक इनकी वफात नहीं हुई तब तक इन्होंने मुख्तलिफ एजाज जो है वो रिसीव किए, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से, आर्मी से और मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक के लोगों से जो है वो इनको मिले इनकी काम की वजह से, इनकी खिदमत की वजह से। तो बिल्कुल इनकी खिदमत को आज पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है और हमेशा उनको जो है वो हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अगर हम उनकी वफात के बारे में बात करें तो उनकी वफात जो है वो उनको गुर्दे का मसला था, उनके गुर्दे जो है वो फेल हो चुके थे। तो 8 जुलाई 2016 को जब उनको शदीद दर्द उठी अपने गुर्दे के अंदर तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वो 3 दिन अस्पताल में रहे और उसके बाद इस दुनिया से चले। उन्होंने ये वसीयत की थी कि मरने के बाद उनकी दोनों आंखें जो है वो ज़रूरतमंदों को जो है वो डोनेट कर दी जाए। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दिल खोल के दबा दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।